वेलकम टू डेलिश फूड। आज मैं आपके लिए इंस्टेंट रेसिपी लेकर आई हूँ। अब पता है, आप अपने बच्चों को, स्पेशली अगर छोटे छोटे बच्चे आपके घर में हैं, तो उनको विदाउट चीज पिज्जा कहके भी आप इसको बता सकते हैं, पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उन्हें पागल नहीं बना सकते। एक्चुअली मैंने ये सब किया है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो ये विदाउट चीज पिज्जा के नाम से आपके बच्चे सब खा लेंगे, और या फिर आप इसे बोल सकते हैं खांडवा। ये केवल मैं सूजी से बना रही हूँ, आपके घर पे सूजी इजीली मिल जाती है, तो ये मेन सबके घर पे ही सामान होता है। तो मैंने सोचा लॉकडाउन चल रहा है, तो जो घर पे इजीली आपको अवेलेबल हो जाए, तो उससे हम कुछ रेसिपी बनाए तो शायद अच्छा रहेगा। ओके, तो आप देख सकते हैं, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, आप इसका नेम कुछ और भी रख सकते हैं, मतलब यू आर फ्री टू पुट दिस नेम। अदरवाइज मैं तो इसे इंस्टेंट विदाउट चीज पिज्जा भी बोलती हूँ, खांडवा भी बोलती हूँ। एक्चुअली ये गुजरात की रेसिपी है, जिसमें सभी दालों का मिक्सचर होता है, लेकिन मैं केवल सूजी से बनाऊंगी। आप देख सकते हैं टू बॉल्स में सूजी है। ये एक्चुअली थोड़ा पैकेट वाली है, जो थोड़ा मोटी होती है, थिक होती है। इसके ग्रेन्स आप देख सकते हैं, मोटे होते हैं। और ये पतली वाली जो नॉर्मली ओपन भी मिलती है, शॉपकीपर्स रखते हैं, बट इसको आपको बोलकर लाना है कि थिक वाली, वो पैकेट जो सील पैक होते हैं उसमें मिलती है, शक्ति बॉक टाइप। तो वन बॉल मोटी सूजी एंड हाफ बॉल पतली सूजी, जो नॉर्मल हर जगह मिलती है, जिसको हम हलवे में भी यूज करते हैं। एंड वन बॉल कर्ड, खट्टा हो तो बेस्ट है, और अगर स्वीट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप उसको ओवरनाइट बाहर रख देंगे तो वो ऑलरेडी इस मौसम में खट्टा ही हो जाता है, क्योंकि खट्टा होने से क्या है, उसका खमीर बहुत अच्छा आता है, पफ बहुत अच्छा आता है। एंड टॉपिंग के लिए अनियन एंड टोमेटो लिए हैं, आप चाहें तो इसमें बीन्स, कैबेज, कैप्सिकम भी एड कर सकते हैं, बट मैंने केवल ये दोनों ही लिए हैं आज। एंड ग्रीन चिली, कोरिएंडर, एंड स्पाइसेस में व्हाइट सॉल्ट, मस्टर्ड सीड, रेड चिली पाउडर एंड बेकिंग सोडा, ओनली 1 स्पून टेबल स्पून। ओके, और सॉल्ट एंड मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप इसका बैटर बना रही हूँ, क्योंकि इस बैटर को हमें हाफ एन आवर के लिए रेस्ट करवाना है, उसके बाद आपको इसको बनाना है। तो उसके लिए मैंने ये बिग बॉल लिया है, इसमें मैं सबसे पहले ये सूजी पोर कर रही हूँ। ये गई मेरी सूजी, एंड ये गई मेरी हाफ बॉल सूजी, पतली वाली, थिन वाली, और इसमें हम ये अपना कर्ड ऐड कर रहे हैं इस तरीके से। अब आप इसको मिक्स करेंगे पूरा अच्छे से, स्मूथली, ये पूरा इजीली मिक्स हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आते, कोई लम्स नहीं पड़ते। और जैसे आपको लग रहा है कि इसमें कभी कभी होता है ना कि कर्ड में वाटर भी रहता है, तो कभी कभी हमें पानी मिलाने की जरूरत नहीं होती, बट इस पेस्ट में देखिए, अब जैसे आपको लग रहा है ये थिक है, तो हम इसमें वाटर ऐड कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगी कि इसकी कंसिस्टेंसी किस तरीके से होनी चाहिए। तो पहले हम अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लेंगे, स्मूथ पेस्ट बनाना है, थोड़ा थिक ही रखना है एक्चुअली, इसको पतला नहीं करना है, क्योंकि जैसे हमारा पिज्जा का बेस बनता है, हमें सेम वैसे ही इसको बनाना। तो आप देख सकते हैं अभी मुझे थोड़ा थिक लग रहा है, देखिए ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप देख सकते हैं, ना ज्यादा पतला और ना ज्यादा। अब इसमें मैं इस स्टेज पर सॉल्ट ऐड कर रही हूं, बेकिंग सोडा 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर आधा, हम बाद में ऊपर टॉपिंग में यूज करने वाले हैं। और इस पेस्ट को, बैटर को मुझे हाफ एन आवर के लिए रेस्ट करवाना है। ओके, उसके बाद हम अपना ये रेडी करेंगे। ओके, हाफ एन आवर के बाद इस डो की कंसिस्टेंसी, और देखिए कितना अच्छा ये फूल चुका है, मतलब ये किसकी वजह से हुआ है, बेकिंग सोडे की वजह से। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पर दो कढ़ाई ली हुई है, फ्लेम ऑन करना है, और मस्टर्ड ऑयल है तो आप बहुत अच्छा है, बेस्ट है। तो दोनों में मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, इसमें ओनली 1 स्पून, नॉन स्टिक है तो बहुत कम ही ऑयल लगता है, और बिल्कुल अच्छे से बन जाएगा। और इसमें मैंने अपनी सब्जियां कुक करनी है, सर्चे करनी है, तो वो। ओके, तो स्मॉल वन तो वेजीज, जो हमारे टोमेटो एंड अनियन थे, उनको हम थोड़ा सा शैलो फ्राइड ऐड करेंगे, और दूसरी तरफ हम अपना जो बैटर है उससे खांडवा बनाएंगे। ओके, इस तरीके से पूरा चारों तरफ आप ऑयल को स्प्रेड कर दीजिए और गर्म होने दीजिए।
चुका है ये मस्टर्ड सीड जो मैंने लिए थे, अब इस कंडीशन पे इसको डालना है दोनों उसमें। ओके ये चटकेंगे तो ध्यान से थोड़ा आपके कभी लग जाए तो आपको इसमें प्रिकॉशन लेना है। अब इस फ्लेम को कम कर देते हैं और ये जो इधर है इसको थोड़ा सा ये चटकेगा तो हम इसमें अनियन डाल देते हैं। ओके और इधर वाले इसमें हम अपने ये पेस्ट जो हमने रेडी किया है उसको पूरा पेस्ट को पोर करते हैं इसमें। देखिए अब जो मैंने आपको क्वांटिटी एक्चुअली स्टार्टिंग में बताई थी सूजी की कि वन बोल आपको मोटी वाला सूजी लेना है, तो देखिए मेरे पास ये जो कढ़ाई है मेरा ही इसके हिसाब से अंदाज है और ये फोर मेंबर्स के लिए सफिशियंट रहता है। आप अपनी क्वांटिटी को उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ओके तो बस मेजरमेंट कट का और सूजी का इसी के हिसाब से होना चाहिए, बहुत अच्छी मेजरमेंट के साथ ही बनता है। अब हमें इसकी फ्लेम को बस 2 मिनट्स के लिए थोड़ा हाई करना है। ओके और इसको हमें ढककर छोड़ना है और आप देखेंगे अभी 2-5 मिनट्स में कितने अच्छे से पफ आ जाएगा। और इधर साइड बाय साइड हम अपनी सभी सब्जियों को इस तरीके से अनियन को इसमें मैं चिली भी ऐड कर देती हूँ, ग्रीन चिली एंड कोरिएंडर। ओके तो दोनों तरफ काम चलता रहेगा, इससे आपका टाइम भी बचेगा और इंस्टेंट आपकी रेसिपी भी रेडी हो जाएगी। जब हमारा अनियन अच्छे से सोते हो जाएगा तो हम इसमें टमाटो ऐड करेंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और ये कितना अच्छा इसका पफ आप देख सकते हैं, ये फूल चुका है और इधर हमारी अनियन भी बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुकी है। अब मैं इसमें टोमेटो ऐड कर रही हूँ और जो ये रेड चिली पाउडर था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप चाहें तो और तीखा पसंद करते हैं तो इसमें ब्लैक पेपर चाट मसाला डाल सकते हैं। अब मैं अपनी फ्लेम लो कर रही हूँ और अब आप इसकी एजेस को इसे रिमूव करते हुए देखिए, नॉन स्टिक पे बनाएंगे तो बहुत अच्छा बहुत इजीली बन जाता है और इस तरीके से स्पून से लेके आपको पलटना है। देख सकते हैं आप कितना अच्छा बन रहा है, बिल्कुल लग रहा है ना पिज्जा वाला, वो भी हेल्दी क्योंकि ये सूजी का बना हुआ है। तो जरूर ट्राई करिएगा, आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाला है। अब आपको इसको बस थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर कुक करना है जिससे कि अंदर तक अच्छे से ये सिक जाए। और इधर हमारे ये अनियन एंड टोमेटो भी बस रेडी होने वाले हैं कुक होकर। देखिए ये अच्छे से पूरा कुक हो चुका है और ये भी हमारा सिक चुका है। मैं आपको दिखा रही हूँ दोनों तरफ से, आपको इसी तरीके से बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर सेकना है। देखिए ओके अब हमें इसको मतलब किसी भी प्लेट में या किसी भी सर्वर प्लेट्स में आप इसको डालेंगे, जैसे हम मार्केट में हमारे पास आता है ना वो रेस्टोरेंट वगैरह में पिज्जा, सेम उसी की तरीके से हम इसको सर्व करेंगे। देखिए मैंने ये अपना प्लेट लिया है, आप इसी तरीके से कोई भी राउंड शेप की प्लेट ले सकते हैं और इस तरीके से इसको बिल्कुल गर्म गर्म इसमें हमने डाल दिया। अब आपको सबसे पहले इसके ऊपर जैसे हम पिज्जा वगैरह पे करते हैं, अगर आपके पास ग्रीन चटनी है इट इज गुड, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस पे टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं। ओके इस तरीके से आपने इसके ऊपर आप पिज्जा वाला सॉस भी लगा सकते हैं, कुछ भी ये टोमेटो केचप है उसको हमने इस तरीके से स्प्रेड कर लिया। एक्चुअली ये बहुत इंस्टेंट और विदाउट चीज पिज्जा भी आप इसे बोल सकते हैं, किड्स को बहुत पसंद आने वाली चीज है। जो आपको वेजिस चाहिए वो भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास आज केवल अनियन एंड टोमेटो था तो मैंने तो बस वही यूज किया है। और इस तरीके से आप इसकी टॉपिंग कर दीजिए, दिख रहा है ना यमी? यस और होगा भी, आप जरूर ट्राई करिएगा एंड प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अभी आपको मैं इसको पीसेस करके भी दिखाने वाली हूँ, ये अंदर से भी कितना अच्छे से सिकाए। नाउ इट्स रेडी, अब हम इस तरीके से जैसे बटर की हेल्प से आपको इसको पूरा इस तरीके से इसके पीसेस करने हैं और गरम गरम ही आपको ये सर्व करना है, अदरवाइज ये ठंडा होने के बाद इतना टेस्टी नहीं लगता क्योंकि इसका क्रिस्पी वाला जो फ्लेवर है वो थोड़ा कम हो जाता है। देखिए पीसेस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, या वाओ।
मन तो कर रहा है मैं भी खा जाऊं, पर कोई बात नहीं, मैं आपको पहले दिखा रही हूँ। अब इस तरीके से आपका ये पीस रेडी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल वही स्टाइल लग रहा है पिज्जा वाला। आई होप कि आपको मेरी वीडियो एंड रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ओके प्लीज ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।